सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो फीचर माय कार में नई गाड़ी जो मैं लेके आया हूँ वो है ह्युंडई वर्ना। तो यहाँ पर मेरे भाई है, एक बार सबसे पहले अपनी एज बताओ। मेरी एज है 18। 18 साल के, लाइसेंस बन गया? हाँ जी लाइसेंस बन गया। भाई का लाइसेंस भी बन चुका है, इसीलिए हम लोग गाड़ी फीचर कर रहे हैं। अगर आप में से किसी का भी एज ग्रुप जो है वो लाइसेंस बना वाला नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम गाड़ी फीचर नहीं करेंगे। तो भाई जो गाड़ी आपकी है कौन सी ईयर की है और गाड़ी में कितना मतलब पैसा लगा रखा है, प्यार कर रखा है, ये बता दो। गाड़ी 2011 मॉडल है, फरवरी की, और मैंने गाड़ी में कम से कम 80-90,000 स्पेंड कर चुके हैं। 80-90,000 रुपए लगे हुए, ऑलमोस्ट एक पेटी लगने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ बेसिक। अगर आप लोग कोई भी पुरानी वरना आपके पास है तो भाई की गाड़ी किस कंडीशन में, चला के भी देखूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसा फील है। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। ओके गाइस, तो बारी आ चुकी है कि भाई की गाड़ी को फीचर किया जाए। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई ह्युंडई वरना जो फ्लूइडिक सबसे पहले आया था, ये वो वाला वेरिएंट है। और कब से स्टार्ट हुई थी वरना आनी? 2011 से, उससे पहले से मॉडल 2011 में आया था। अच्छा, 2011 से पहले दूसरा मॉडल आता, इससे पहले दूसरा वाला छोटे वाला आता था। तो फ्लूइडिक जो है उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अगर फ्रंट के उससे आप बात करते हो तो गाड़ी बहुत ओके ओके सी लग रही है भाई। कुछ रीपेंटेड या कुछ वाला काम हुआ? पेंटेड नहीं है गाड़ी में, सब कुछ कोर है, बिल्कुल सिर्फ बम्पर आ गया पेंटेड, बाकी और कुछ पेंटेड नहीं है। तो भाई दिल्ली में देखो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है, तो उस तरीके से भाई ने केवल बम्पर चेंज कराया है। गाड़ी की लाइट्स के बारे में बात करोगे तो इसके अंदर जो है प्रोजेक्टर नहीं आता था, तो भाई ने इसके अंदर क्या लगवाए हो भाई? HID लगाई है 55 वॉट्स की। तो एक बार जरा ऑन भी करके दिखा दो भाई। ठीक है भाई, गाड़ी भी ऑन कर देंगे, उसी के साथ में आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो यूजली जो है लोग इसको पीछे लगाते हैं, ये एक तरीके का टो वाला काम करता है, लेकिन भाई ने लगा रखा है। इसमें लिखा हुआ है ड्रिफ्ट 10 गोकू, पता नहीं ये गोकू वाला है क्या जो प्रोग्राम से आता है, वही है क्या? ठीक है, तो भाई एक बार HID आप लोग चेकआउट कर लो। ठीक है, तो ये 8000 केल्विन वाली है। ठीक है, ये प्योर जो है 8000 केल्विन है। सुबह जितना भी इसमें दिख पा रहा है उतना आपको दिखा रहा हूँ। मैक्स लिंक की लगाई है, कैसा रिस्पांस है अभी तक? बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये भी सूरज भैया से लगवाई थी, करोल बाग सूरज भाई से लगाई थी, और बढ़िया चल रहे तब से। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो भाई बढ़िया है। और एक साल हो गया कि नहीं हुआ? इसको 3 ईयर्स हो गया लाइट पे लगे। 3 साल हो चुके हैं? हो चुके हैं। तो मतलब जब से कंप्लेंट आई थी बस उन्होंने रिप्लेस कर दी थी क्योंकि लाइट वारंटी में थी, उसके बाद से ओके चल रही है। उसके बाद से ओके चल रही है। तो भाई फ्रंट से आप लोग देख सकते हो दिल्ली का नंबर गाड़ी का है। साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं तो साइड में तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है इसके अलॉयज ब्लैक नहीं आते थे, अलॉयज सिल्वर आते थे, मैंने ब्लैक करवाया। अच्छा, ब्लैक करवाए है। तो भाई एक बार चेकआउट कर लो। तो इसमें क्या वो रबर कोटिंग से कराया, कैसे कराया? जो नॉर्मल पेंट होता है कार पे वो करवाया। तो अभी तक निकला नहीं है? नहीं अब तक नहीं निकला। चलो बढ़िया है। इसका क्या यूज है भाई, ये भी बताओ जरा। ये ऐसे ही मैंने लुक के लिए लगा रखा है, बहुत कार्स में लगा हुआ देखा तो इसलिए लगवाया था। अच्छा, इसका लुक में लगाया, चलो बढ़िया है। इसी के साथ में अगर आप लोग साइड देखोगे तो भाई ने जहाँ जहाँ पर भी ब्लैक ब्लैक कुछ भी मतलब बढ़िया होना चाहिए वहाँ पर स्मोक करा रखा है। और एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, जो कि है जेड ब्लैक शीशे तो नहीं, 80% 90% होंगे, मैं देख पा रहा हूँ इसको अपने आप को। तो भाई इसके लिए पकड़ते हैं पुलिस वाले? नहीं, वैसे तो नहीं रोका। रोका नहीं अभी तक? नहीं, अब तक नहीं रोका। तो भाई पुलिस में से अगर कोई भी देख रहा है तो भाई गाड़ी रोक लेना एक बारी भाई की। ठीक है, तो भाई प्लीज़ गाइस आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ें मत कराना, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। भाई के उसमें जो आप लोग देख रहे हो डोर वाइज़र, सॉरी डोर वाइज़र कह रहा हूँ, ये बेसिकली डोर गार्ड जो है आईपॉप वाला, ये लंबे वाले आते हैं। ठीक है, वो भाई के उसमें लगे हुए। और जहाँ तक बात है भाई लोग इसके बारे में पूछेंगे कि एलॉयज़ में पेंट कराना कहाँ तक सक्सेस है, तो सक्सेस नहीं होता है। अगर इसके ऊपर आप चाहो तो रबर कोटिंग वाला ऑप्शन आता है, या फिर एक तरीके से पेंट कोटिंग हो जाती है जो इसके ऊपर बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाता है और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, तो ये वाला ऑप्शन है। कितना टाइम हुआ इसको कराए हुए? 2-3 साल हो गए इसको। 2-3 साल हो चुके हैं? हाँ, सही चल रहा है? सही चल रहा है। तो भाई की सब चीज़ें सही चल रही है, चक्कर टॉप मॉडल है ना, तो फादर ने कहा था कि अगर आप इसके अलॉय व्हील चेंज करा दोगे तो टॉप मॉडल लगेगी नहीं। ये बात तो सही है, ये लगे रहने। नहीं, ये भी बात सही है भाई। इसी के साथ में अगर आप रूफ टॉप में आते हो तो भाई रूफ टॉप में चेकआउट कर लो, पूरी भाई ने कराई हुई है टेपिंग। ये मैंने कंपनी से करवाई थी और जब मैंने गाड़ी ली थी तब करवाई थी, और अभी तक चल रही है 2011 से, मतलब 8 साल हो गए। 2012 में करवाई थी मैंने, 7 साल हो गए। हाँ जी, उन्होंने गारंटी दी है कि पूरी अगर कहीं से भी उतरे जब मर्जी उतरे आप हमारे पास ले आना। भाई बढ़िया, कौन है भाई ऐसे जिन्होंने दी थी वारंटी? दीप हुंडई यहाँ से करवाया था, दीप हुंडई से। तो भाई सेक्टर 3 से, तो भाई ये भी बढ़िया चीज़ है। ये भी नहीं आता था शार्क फिन एंटीना, शार्क फिन लगाया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको ब्लैक क्यों नहीं करवाया? गाड़ी वाइट थी और वो तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऐसे ही बस ब्लैक लगवाया था, वो उसका इतना मज़ा नहीं आ रहा तो वाइट लगवा दिया था। सही है सही है। तो भाई अगर आप लोग साइड बॉडी के उससे देखोगे तो नीचे की तरफ में जो पूरा आप लोगों को दिखेगा भाई ने टेपिंग कराई हुई है, तो सही भी है ये एक चीज़।
अगर बाई चांस कभी निशान निशान भी लग जाए वो भी छुप जाते हैं। हाँ जी, है ना, इसी के लिए करा है। हाँ जी, है सही है भाई, सही है। तो भाई की गाड़ी में लिखा हुआ बेस इनसाइड क्या क्या चीज़ है वो आपको दिखाऊंगा। स्पोर्ट्स का एक स्टिकर आपको देखने को मिलता है। सो देयर यू गो, साइड प्रोफाइल के उससे अगर देखोगे भाई ने गत्ते करवा रखे हैं। क्या कराए भाई, समझाओ थोड़ा। ये मैंने नापा लेदर के करवाए थे क्योंकि ये क्रीम कलर का आता है और वो बहुत गंदा हो जाता, तो इसलिए मैंने डैशबोर्ड से मैचिंग करवा के ये कलर करवाया था। तो भाई देख लो कैसा लग रहा है अंदर के। अगर आप लोगों ने सीट कवर भी चेकआउट करना है तो ये सीट कवर अभी चेंज करवाओगे या क्या सीन है? अभी करवाया, 1 ईयर हुआ है। एक साल हुआ है। कौन से वाले सीट कवर है ये? ये नापा लेदर ही लगवाए थे, करोल बाग से। अच्छा, सूरज भाई से, किसी और से? सूरज भाई से लगवाए थे, किसी और से लगवाए। किसी और से लगवाए थे। क्या कॉस्टिंग रही होगी उस टाइम पे? ये मुझे 6000 का पड़ा पूरा, सीट कवर और गत्ते 6000 रुपीज। तो गाड़ी के अंदर बैठ जाते भाई थोड़ा सा। तो भाई भाई ने फुल पावर एसी कर रखा है, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोग स्टेयरिंग की तरफ चेकआउट कर लो। तो जो स्टेयरिंग स्टिच हो रखा है ये भी भाई मोटी वाली सुआ होता है ना उससे स्टिच किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर फिनिशिंग नहीं है। इट्स नॉट अ परफेक्ट वन, लेकिन स्टिल करवाना चाहो ऐसा ऑप्शन भी होता है। इससे थोड़ा मोटापन आ जाता है स्टेयरिंग में, तो ग्रिप अच्छी बनती है। हाँ जी, अब करवाएंगे इसको। करवाओगे? हाँ जी। बढ़िया करा दोगे? चलो बढ़िया। तो भाई एक बार ही आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लो। निपॉन का भाई ने एक यहाँ पर सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें यूट्यूब सब कुछ चलता है, जो कि अभी हम आपको चला के भी दिखाने वाले हैं। कितने जीबी वाला? एंड्रॉइड वाला है ये? हाँ जी, एंड्रॉइड है। 2 GB RAM। 2 GB RAM। हाँ जी। कहीं लैग वैग कुछ मारता है? लैग नहीं मारता। इतने मैंने इसमें गेम भी डाली थी, एक दो वीडियो भी सेव करी थी, सब बढ़िया। गेम भी खेलते हो उसके अंदर? हाँ जी। तो भाई यार देख लो, और देख लो भाई स्ट्रेट आउट ऑफ चंडीगढ़। हाँ जी। चंडीगढ़ से हो गया? नहीं नहीं, ऐसे ही आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा था तो इसलिए लगा दिया था। चलो भाई बढ़िया, भाई ने बढ़िया करा रखा है। ये लाइटिंग पहले से आती है इधर? नहीं, जैसे रात को हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं पेन ड्राइव लगवानी है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो भाई ये बड़ा, तो इससे अच्छा मैं यहाँ लाइट ही लगवा दी। बढ़िया लग रहा है वैसे, अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है। और क्या चीज है भाई जो अंदर देखने लायक है? ये टिश्यू बॉक्स बड़ी अलग ऑकवर्ड जगह लगाया है, ऐसे क्यों? वहाँ डैशबोर्ड पे रखो, इधर उधर गिरता ही रहता है, तो ये नया हैंग होने वाला आता तो ये लगवा दिया। भाई बढ़िया वैसे, सही है ऐसे, मतलब ये इधर रहेगा और यूज होगा। चलो भाई बढ़िया है, ये भी एक भाई ने अच्छी चीज निकाली है। और गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है अभी तक? गाड़ी की परफॉर्मेंस 1 लाख प्लस चल चुकी है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना इंजन में, ना क्लच प्लेटों में, ना किसी चीज में। सब बढ़िया, सर्विस टाइम टू टाइम होती है 10,000 किलोमीटर। चलो भाई बढ़िया। इसके बाद मैं आप लोगों को और लोगों से मिलवाता हूँ। तो आकृति जो है आज हमारे साथ शूट के लिए आ रखी है, क्या नाम है भाई? विशाल। विशाल भाई भैया, विशाल भाई और साथ में पढ़ते दोनों कॉलेज में? दोनों कौन से कॉलेज में? भारतीय विद्यापीठ। तो भाई भारतीय विद्यापीठ के जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर्स है तो भाई को बता देना वीडियो देख लिया, ठीक है। हमारा भी चैनल है यूट्यूब पे क्रिएटिव ऑटो के नाम से। क्रिएटिव ऑटो, क्या करते हो उसके अंदर? उसमें कार मॉडिफिकेशन एंड बाइक्स का वीडियो बनाते हो? हाँ जी, तो अभी 1 महीना ही हुआ है। चलो करो सब्सक्राइब, मारो भाई को। पीछे की सीट्स भी चेकआउट करो भाई, ठीक है। परफेक्शन के साथ काम हुआ हुआ, अच्छा काम हुआ हुआ, ऐसा नहीं कुछ बुरा काम हुआ है, सही लग रही है गाड़ी देखने में। और जहाँ तक सिस्टम अपग्रेड के बारे में है तो एक बार खोल दे भाई। देयर यू गो गाइस। तो भाई ने एक 1300 वाली डाल रखी है, 1300 वाट वाली जो आती है JBL की, और ये कस्टम मेड सबवूफर है भाई। हाँ जी, 2000 वाट। 2000 वाट का ये है, यानी कि गाड़ी में जो चल रहा है वो चल रहा है करीबन 3300। हाँ जी, 3300 वाट तुम चला रहे हो। तो गाड़ी में कुछ पावर लॉस या कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत भी नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। प्रॉपर फ्यूज लगवा रखे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ जाता है? उड़ता है? अब तक उड़ा नहीं, एक बार भी फ्यूज नहीं उड़ा। जिनसे हमने लगवाया था उन्होंने हमें रिकमेंड करा था कि फ्यूज लगवा लो, बाई चांस कोई प्रॉब्लम आई तो फ्यूज उड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो भाई बढ़िया है। इसी के साथ में जिस चीज़ की कमी मेरे को भाई की गाड़ी में लगी है, क्योंकि मैंने भाई को बोल दिया है, भाई ने वैसे शिकागो का एक ये लगाया हुआ है मोनो एम्प है, और साउंड बैरियर का 4 चैनल वाला डाला हुआ है। वायरिंग बहुत मैसी है जो कि आग लगा सकती है, तो भाई इसके बारे में सोचो। बिल्कुल करवाएंगे, हैं चेंज करवा लेना इसको और फिर वीडियो बनाएंगे इसका, आपको दिखाएंगे। चलो भाई बढ़िया बात है, ये भी अच्छी चीज़ है। डैम्पिंग वैम्पिंग कराइए गाड़ी में? डैम्पिंग नहीं कराई, कुछ बसते दरवाजे वरवाजे? सिर्फ पीछे बोर्ड बचता और कुछ नहीं बचता, वो भी करवानी है डैम्पिंग, करवानी है। तो भाई ये चीज़ें तो थी आप लोगों ने जो बाहर से देख ली है, तो भाई ने देख लो रिफ्लेक्टर्स भी नहीं आते ना इसके? रिफ्लेक्टर्स नहीं आते, तो ये कस्टम बनवाने पड़ते हैं। भाई ने इसको भी स्मोक करवा रखा है, ये लाइट भी स्मोक है? हाफ, ये हाफ स्मोक है, हाफ स्मोक करा रखा है इसको। और पीछे जो आप लोगों की लाइट्स है वो नॉर्मल ब्लू वाली रखी हुई है, ठीक है। और देखो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि अगर आपके पास भी वरना है तो करवा सकते हो। भाई ने ये वाला स्पॉइलर डलवाया, ये बेसिकली दो तरीके के स्पॉइलर आते हैं इसमें भी, एक लिप स्पॉइलर, लिप स्पॉइलर होता है और ये होता है। लिप वाला मेरे को ऊपर लगवाना था वो, तो मैंने इसलिए ये वाला लगवाया था। ये वाला लगा दिया और ऊपर भाई ने समुराय लगाया हुआ है, देखने में ये भी बढ़िया लग रहा है। तो नेक्स्ट थिंग इज कि आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ सुनाई जाए कि, क्योंकि भाई ने लिखा है बेस इनसाइड, लेट्स सी हाउ द रिस्पॉन्स गोज ऑन, और मैं बताऊंगा कि मेरे को कैसा लगा।
अगर आप लोग इधर देखोगे क्रोम की तरफ तो आपको क्रोम हैंडल्स आपके एसी वेंट्स दोनों तरफ में आप लोगों को होते हुए दिख जाएंगे। पीछे भी करवाए? हाँ, पीछे भी आता है जो पूरा, यानी कि डोर हैंडल्स में जो आता है। और एक चीज और बताया तो इंटीरियर में जो है भाई ने ये जो कपड़ा लगाया है नापा, इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है। इसको भी बहुत साल हो चुके होंगे? हाँ जी, ये भी चल रहा है सही, साल डेढ़ साल हो गया इसको। साल डेढ़ साल बहुत बढ़िया चल रहा है। और क्वालिटी जिसने काम किया वो काम अच्छा किया हुआ। ये भी मैंने सोना ऑटोग्राफिक्स से करवाया है, ये नवादा में सोनो ऑटोग्राफिक्स। बहुत रेट रीजनेबल है और बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका क्या यूज है? इसमें फोन रख सकते हैं? हाँ जी, रख के दिखाना एक बार। सही, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाता, जितना मर्जी आप गड्ढे में दे दो, जो मर्जी दे। चलो भाई बढ़िया। और ये हुक्के का क्या सीन है भाई? हुक्का भी लगा हुआ है भाई ने जो है गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट भी लगाया था और उसी के साथ में ये टो वाला जो अपना स्टाइल चलता है सबसे ज्यादा वो लगाया हुआ है। एग्जॉस्ट क्यों हटाया भाई ये बताओ? साउंड नहीं थी और एवरेज में बहुत फर्क आ रहा था। कितना फर्क आया था? जैसे अभी लोकल में हमारी 14-15 दे देती है, 7676 पे आ गई थी। अच्छा, हाँ जी। और क्या लगाया था? ढोलकी लगाई थी? ढोलकी लगवाई थी पीछे, ढोलकी लगाई थी उधर। साइलेंसर हाउस? सीपी में है कोई? हाँ, सीपी में ना वही। तो भाई देख लो, मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर फुल सिस्टम लगाते हो तो मज़ेदार रहता है, नहीं तो फिर नॉर्मल में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और लाइटिंग का कुछ अपग्रेडेशन मिला नहीं भैया? जब करवाना था तब मिला नहीं, अब सारे ऑप्शंस आ गए हैं और अब पैसा लगाना नहीं है इसमें, अब गाड़ी की एज होने वाली है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो भाई, ये भी एक अच्छी चीज़ है और भाई आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया। गाइस, तो बारी आ चुकी है कि गाड़ी को हम लोग चला के रिस्पॉन्स बताएं कैसा रिस्पॉन्स है। सबसे पहला रिस्पॉन्स, गाड़ी की क्लच थोड़ा हल्का सा टाइट है। क्या रीज़न है उसका? उन्होंने कहा था कि अभी इसका क्लच बिल्कुल ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इश्यू है तो आपको इसका क्लच प्लेट चेंज करानी पड़ेगी। क्लच प्लेट चलाने वैसे ठीक है? पिकअप सही है? पिकअप ओके है। आप इसको अभी मैंने रिसेंटली 190 टच करा था तो आराम से हो रही थी। अच्छा, और बाकी सस्पेंशन जो है? सस्पेंशन हमारा थोड़ा ना एरिया ऐसा, जितनी बार सस्पेंशन करवा लो वो बोल जाता है। अच्छा, तो क्या सस्पेंशन करा चुका हूँ इसका, क्योंकि अब हमारा इधर फ्लैट बन रहा है तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, द्वारका आ जाओगे? हाँ जी, सेक्टर 23। सही है। बाकी गाड़ी तो भागने में तो बहुत सही है, मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर कैमरा जस्टिस कर रहा होगा, माइक जो है वो आवाज उठा रहा है, तो हल्की सी रेस के साथ हमिंग की आवाज है, हमिंग की आवाज है। तो ये जो है यूजुअली तब आती है जब अर्थिंग की प्रॉब्लम हो। हाँ जी, या फिर जो आपका एम्प है वो कुछ दिक्कत दे रहा हो। कितना टाइम हो गया सिस्टम, मतलब ये पूरा लगाए हुए जैसे एम्प जो है? पहले तो मेरा सिंगल एम्प लगा हुआ था। ठीक है, तब आती थी हमिंग? तब नहीं आती थी। अच्छा, हमिंग आई हुई है बस अभी एक दो महीने हुए, एक दो महीने से हमिंग आ रही है, पहले से नहीं आती थी। नॉर्मल एम्प इसमें नॉइस वो डलवा रहे हैं, नॉइस फिल्टर भी दिलवाएंगे। और हॉर्न भी भाई की गाड़ी में रूट्स लगा हुआ है। चलाने में तो नो डाउट गाड़ी बहुत बढ़िया है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जितनी गाड़ी पुरानी होती रहेगी उतनी थोड़ी प्रॉब्लम आती रहेगी। ये तो चीज है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही खींच रही है गाड़ी फुल स्पीड में। हैंडलिंग वाइज भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हैंडलिंग वाइज। कुछ कोई किस्सा है गाड़ी से रिलेटेड कि मतलब कुछ हुआ हो या फिर गाड़ी ने कभी कोई दिक्कत दी हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं गई, गाड़ी बहुत दूर दूर तक गई है। कहाँ कहाँ तक लेके गए? नेपाल, नूपुर, हर जगह हुआ है गाड़ी है। नेपाल लेके गए हो? हाँ जी, फादर लेके गए थे। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं आई। नेपाल और कहाँ कहाँ गई है? वैसी फैमिली के साथ जयपुर वृंदावन जाती रहती है ऐसे गाड़ी। ऐसे जेट ब्लैक शीशे करा के? ये तो अभी करवाया है। अच्छा, अभी करवाया, पर्सनल हो गया वैसे। यार जेट ब्लैक लेकिन लीगल नहीं है, तो गाइस प्लीज रिकमेंडेशन नहीं है, मत करवाना। बाकी गाड़ी ओके। ओके गाइस, तो आप लोगों ने जो गाड़ी का आउटपुट सुना तो बेसिकली इसमें बेस की जो चीजें हैं वो ज्यादा बढ़ाई हुई थी। ठीक है, वोकल्स में भाई ने अभी ज्यादा
अपग्रेडेशन नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को भाई की लगी वो ये थी कि भाई अभी 18 साल का है लेकिन भाई ने 80-90 हजार रुपये खुद जमा करके ये सारा सिस्टम लगाया। क्या कहते हैं? हाँ जी, है ना, खुद काम किया, जहाँ पर भी जो चीज़ हुआ भाई ने उससे पैसे जमा करे और 80-90 हजार रुपये 18 साल की उम्र में कमाना बड़ी बात है, है ना भाई। तो भाई के लिए इस चीज़ के लिए लाइक ज़रूर करके जाना। बाकी जो आप लोगों ने गाड़ी देखी है एक आपके लिए रफ आइडिया था, अगर आप में से किसी के पास भी Hyundai Verna है और Hyundai Verna का भाई लवर है, ठीक है, तो आप लोगों को जितनी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने शो करके या फिर जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। भाई कुछ बता दो गाड़ी के बारे में। गाड़ी बहुत बढ़िया है, इसके साउंड बहुत ही फेमस है और उत्तम नगर है इसकी गाड़ी के सब जानते हैं। उत्तम नगर में? उत्तम नगर फेमस है। हाँ जी, चलो भाई बढ़िया। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब भी चैनल। इसके चैनल का भाई एक बार नाम बताओ फिर से। मेरे चैनल का नाम क्रिएटिव ऑटो है। क्रिएटिव ऑटो है, और फॉलो मार दो भाई को भी, और अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, ये बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR 7811 यानी कि मुसाफिर 7811। आपको पता है जो हमने मुसाफिर स्क्वाड बनाया है? हाँ जी। उसके बारे में पता है? हाँ जी। जो संडे ड्राइव कर रहे आओगे? हाँ, बट डन। तो भाई लास्ट संडे भी बहुत वेट करा, आपका कुछ आया नहीं रिस्पॉन्स। तो भाई अभी अब कर रहे हैं हम लोग प्लान। तुम ऐसे काली गाड़ी लेके आओगे पुलिस वाले पकड़ेंगे? हटा दूंगा। हटा दोगे? तो भाई हटा देंगे। तो संडे ड्राइव कर रहे हैं हम लोग प्लान जो है, और अगर आप में से कोई भी उसका पार्ट नहीं बना है तो जाके ग्रुप फॉलो करो, आपने लिखना है फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड और आपको एक एक अपडेट मिल जाएगा। सो बहुत पसीने आ रहे हैं पूरे, गर्मी वर्मी हो रखी है, रीजन बिंग की बहुत गर्मी में शूट कर रहे हैं। सो करते हैं वीडियो को एंड, लास्ट में एंड करते हुए सैल्यूट वाला स्टाइल करते हैं ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।